ये आपको चुरु चुरु की आवाज सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, ये साफ देखिए, बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है, आपको कोई भी आवाज नहीं आ रही। पहले खटर खटर की आवाज जो आती थी, अभी वो पूरी तरीके से चिक चिक खटर, कुछ भी आप समझ लो, अभी आवाज बिल्कुल से बंद है। देख लीजिए आप, बिल्कुल साइलेंट। खराब भी रोड है, खराब भी छोड़िए, पहले तो आती थी, अभी तो आप बिल्कुल बंद हो गई है। नमस्कार जी, मेरा नाम सुधाकर दुबे, आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारे जगह पे ये क्वेश्चन आता है कि चू चू की, चुर चुर की आवाज आ रही है। अब ये आपको चुर चुर की आवाज सुनाई दे रही होगी। ये देखिए, अब ये बताता हूँ किसकी है। देखिए अपनी गाड़ी में एक तो इतना बड़ा डैशबोर्ड है, ऊपर से स्टेयरिंग भी है, फिर उसके बाद आगे सस्पेंशन भी है, तो कहीं से भी आवाज। अब जैसे ये नॉर्मल चुर 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 की आवाज आपको ये देखिए आ रही है। अब ये आप पूरा डैशबोर्ड ढूंढ डालोगे, आपको नहीं मिलेगी। ये किससे है? इस गाड़ी की ऑलरेडी एक वीडियो बनी है जिसमें हमने जुगाड़ किया था, तो अब वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो आप चलिए, आपको उसका रेट भी बताएंगे, और हाँ उसको लगाते कैसे, अगर मैं रहूँगा तो उसकी वीडियो बनाऊँगा, नहीं तो आपको जितना उसकी ज़रूरी चीज़ है वो मैं आपको समझा दूँगा। ये लोकल है, 1800 का, क्वालिटी देखिएगा, और ये ओरिजिनल है, ये देखिए फ्री। ये लाइट वेट है और ये वजनी है। जो लोग वजन के हिसाब से ले जाते हैं तो गलत, लाइट वेट होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होना चाहिए। ये ओरिजिनल कंपनी का है। वह आपने देख लिया, प्रॉब्लम क्या है वो समझिए। इसका जो नीचे वाला क्रॉस है, आपको दिखाता हूँ, पहले आपसे मिली देख लो, यहाँ से लेके ये पूरा जहाँ पे पावर स्टेयरिंग का पंप है वहाँ तक जाती है। आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आसपास, थोड़ा सा अंधेरा है तो आपको दिखेगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि उजाले के टाइम पे है। अभी क्या हो रहा है, इसकी सॉफ्ट है वो नीचे चली गई है। नीचे कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे कटा हुआ है। इसी के कारण क्या होता है कि जब आपकी स्टेयरिंग इस पर रखती है तो इस पर रखती है तो वहाँ पर लड़ जाती है, तो ये चूँ चूँ की आवाज़ करती, कभी ये खट खट की आवाज़ करती, इसलिए हमने वो क्रॉस खरीदा है। रेट हम बाद में बताएंगे, खैर रेट आपको पता ही चल गया होगा ओरिजिनल डुप्लीकेट का। इसमें दो खोले जाएंगे आपके, ऊपर वाला नट है इधर पे, एक नीचे वाला नट है जो कि आपको मैंने क्रॉस पे दिखा दिया था, और एक ये वाला नट है यहाँ पे। इंजन बहुत गर्म है इसलिए इसका टायर फिल्टर वो निकाल दिया गया। ये देखिए ढीला होके अपना निकल आया वहाँ पे, आप देखो बस वहाँ पे निकलना है, क्योंकि बहुत दिन हो गया तो टाइट है वो, ये खींच रहा है, उसमें थोड़ा सा चोट पड़ेगी तो खुल जाएगा। पुराना वाला निकल आया है, इसमें थोड़ा सा प्ले है, जबकि हल्का फुल्का प्ले चलता है इसमें। ये सही है लगभग, पर है हल्का सा प्ले है इसमें, इसमें तो बहुत ज़्यादा प्ले है, ये तो बिल्कुल से खराब है, वो खराब है, ये खराब है। और ये देखिए टाइट भी चल रहा है, अब क्या है वो लगने से पूरी स्टेयरिंग हल्की हो जाएगी, इससे टाइट चल रहा है। ये आप देखोगे ना, ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, ऐसे में तो ठीक है पर ऐसे ऐसे में ये रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है। वधेरा है तो दिख नहीं रहा होगा नहीं। ये स्टेयरिंग सीधा करके लगा रहे हैं, जब भी ये काम करिए टायर सीधा होना चाहिए, तो स्टेयरिंग सीधा करके वहाँ से फिर वहाँ पर बिठा देंगे। चला गया, बस आपको सही एडजस्टमेंट करनी है और टाइट कर दें। ये आप देखोगे अब कोई सी भी आवाज़ नहीं, अगर मैं इसे कुदाऊंगा भी थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे बड़े हैं और ये आराम से कूद गई, आपको कहीं पे भी कोई आवाज़ नहीं आई। वही क्रॉस का था वो, एक्चुअल में पहले से ही मालूम था, पर वो बिल्कुल से बोला जाए ध्यान ही से उतर गया था। अब देखिए प्रॉपर चल रही है गाड़ी, तो कभी कभी लोग इसके लिए इसमें यही हुआ है, डैशबोर्ड कॉलम वॉलम सब खुल गया था, सस्पेंशन का तो नहीं करवाया इन्होंने, पर कभी कभी सस्पेंशन भी इसके चक्कर में खुल जाता है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो अगली बार से जब भी हो तो ये चेक कराएं, क्रॉस असेंबली पावर स्टेयरिंग की। जी क्रॉस ख़राब होने के दो आपको पता चलेंगे रीज़न, एक तो इसका स्टेयरिंग हार्ड हो जाएगा, दूसरा इसका क्या होगा, दूसरा जैसे ये चिक चिक कर रही क्योंकि क्रॉस दब जाती है। इसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि इसमें स्प्रिंग होती है, ये असेंबली कैसे काम करती है,
कैसे हम इसे सर्विस कर सकते हैं और कैसे इसकी लाइफ बढ़ा सकते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये साफ देखिए बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है, आपको कोई भी आवाज नहीं आ रही। पहले खटर खटर की आवाज जो आती थी अभी वो पूरी तरीके से चिक चिक खटर कुछ भी आप समझ लो, अभी आवाज बिल्कुल से बंद है। देख लीजिए आप बिल्कुल साइलेंट, खराब भी रोड है, खराब भी छोड़िए पहले तो आती नहीं थी, अभी तो आप बिल्कुल बंद हो गई है। तो क्रॉस जब भी आपका खराब होगा ना असेंबली वाला, तो उसमें दो ही प्रॉब्लम आती हैं कि जब वो क्रॉस खराब होगा या जाम होगा तो आपकी स्टेयरिंग हार्ड हो जाएगी, या फिर ये स्टेयरिंग का वजन इस पे पड़ता है तो फिर यहाँ से आवाज आती है। इस चक्कर में बहुत सारे लोग डैशबोर्ड खुलवा देते हैं, सस्पेंशन का भी बहुत काम करवाते हैं, पर एक्चुअल में इतनी जरूरत होती नहीं है, छोटी छोटी चीजों से भी काम हो जाता है। कितने में पड़ा है? 3000 में। इसका मैकेनिक चार्ज 200 रुपये, और 200 रुपये पहले इसका टेस्ट हुआ था, क्योंकि ये गाड़ी क्रॉस खराब था, हम लोग भूल चुके थे ये क्रॉस भी खराब है, इस चक्कर में उसको चेक करने में ज़्यादा लग गया, नहीं तो ना लगता, क्योंकि मैं था नहीं एक्चुअल में और टाइम भी नहीं था मेरे को। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन्होंने किया है उनका तहे दिल से धन्यवाद। तो आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मिलते हैं किसी और वीडियो।